ईडी सीबीआई, अब तक इन दोनों केंद्रीय एजेंसियों में काम करने वाले जो कर्मचारी थे या जो भी थे दोस्तों, वो डायरेक्टर को रिपोर्ट करते थे, सीबीआई डायरेक्टर और ईडी डायरेक्टर। लेकिन अब सरकार इनका भी नया बॉस लाने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ, तो आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। दरअसल हुआ ये है कि सरकार अब एक और पद बनाने पर विचार कर रही है। ये पद क्या होगा? ये पद होगा चीफ इन्वेस्टिगेशन अफसर का, यानी CIO का। पूरी खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी बेशक, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। दोस्तों थोड़े समय पहले एक खबर आई थी, बहुत ज्यादा चर्चा में थी वो खबर, कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा साहब, उनको लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में था। कई याचिकाएं उनके खिलाफ जारी हुई थी कि उनको एक्सटेंशन मिला है जो नहीं मिलना चाहिए था। उस मामले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में संजय मिश्रा साहब का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर केंद्र के मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और ये कहा था साफ सीधे तौर पर कि आप नया डायरेक्टर ढूंढिए, क्योंकि इनका कार्यकाल जो है, अगर इनको आगे एक्सटेंशन दिया गया तो ये अवैध यानी इलीगल हो जाएगा। लेकिन सारी शर्म, सारी हया, सब कुछ त्याग कर, संविधान और कानून को ताक पर रख कर, हमारे देश की सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वहां कहा कि अभी तो इन्हें डायरेक्टर रहने दीजिए साहब, अभी यही वाला डायरेक्टर चाहिए। काफ़ी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट संजय मिश्रा को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हो गया। उन्हें 15 सितंबर तक का एक्सटेंशन दे दिया गया, यानी आप समझ सकते हैं कि कुछ ही समय बाकी है। अब संजय मिश्रा साहब, जिनको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आगे हाथ पैर जोड़ने के लिए भी तैयार हो गई, उनका रिटायरमेंट 15 सितंबर को हो जाएगा, तो फिर ये पद खाली हो जाएगा। ईडी डायरेक्टर के पद पर कोई नया शख्स आएगा। ऐसे में अंदाजा क्या लगाया जा रहा है दोस्तों, कि जो पद सरकार अब बनाने वाली है, यानी चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो पद सरकार बनाने वाली है, इस पर हो सकता है संजय मिश्रा को बैठाया जाए। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं दोस्तों, ये तो सरकार को खुद ही बताना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है। लेकिन न्यू इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है, जिसने तहलका मचाया हुआ है इस एक खबर से, उसमें यही छपा है कि अगर देश में चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, यानी CIO की नियुक्ति होती है, तो ईडी और CBI उन्हें रिपोर्ट करेंगे। ये पद भारत सरकार में सचिव रैंक का होगा और अब जो सीबीआई और ईडी CIO को रिपोर्ट करेंगे, वो CIO यानी जो भी उस पद पर बैठेगा, वो प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेगा। अब जो खबर है दोस्तों, वो तो यही कहती है कि ईडी के वर्तमान डायरेक्टर जो संजय मिश्रा साहब हैं, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली गई सरकार, उनको नया CIO बनाया जा सकता है। अब हमें नहीं पता कि इसे लगाव कहा जाएगा या कुछ और कहा जाएगा, लेकिन इस एक खबर की माने तो संजय मिश्रा मोदी सरकार के सबसे खासम खास अधिकारी के तौर पर देखे जाने लगे हैं, जिन्हें सेवा विस्तार देने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है और अब उनके लिए नया पद तैयार किया जा सकता है। हालांकि जैसा मैंने कहा, इसकी पुष्टि तो तभी हो सकती है जब सरकार इसको लेकर खुद से कुछ कहे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला विषय है दोस्तों। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो ईडी डायरेक्टर का पद था, इसको लेकर काफ़ी समय से बहसा चल रही थी कि आप संजय मिश्रा को इतना एक्सटेंशन कैसे दे सकते हैं। उनको तकरीबन ये तीसरी बार उनका एक्सटेंशन था जब उनको दिया गया, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप कमेंट्स के जरिए मुझे सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इनको एक्सटेंशन पहले दिया गया, इनके लिए सरकार 2 से 3 बार तो खुद ही मेहरबान हो चुकी है और तीसरी बार में सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और अब जब ये रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के आगे अब तो नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम जब फैसला सुनाया था इस पूरे मामले पर, तो साफ साफ शब्दों में कहा था कि 15 सितंबर तक जो ये एक्सटेंशन हम देने जा रहे हैं संजय मिश्रा साहब को, ये इनका लास्ट एक्सटेंशन होगा, इसके बाद आप इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार मत लगाइएगा, ये साफ सीधे शब्दों में कहा गया था। तो आप सरकार भी ये जानती है कि इसके बाद तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, तो फिर क्या इसी वजह से संजय मिश्रा साहब का के लिए एक नया पद तैयार किया जा रहा है? लेकिन क्या इतने खासम खास है संजय मिश्रा? क्या होगा अगर CIO के पद पर
इनको बैठा दिया गया। तो क्या हो सकता है दोस्तों, ये बेहद खतरनाक खबर है। अभी तक ईडी और सीबीआई के जरिए सरकार पर आरोप लगता आया है कि विपक्ष को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार करती है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है, खुद विपक्ष लगाता है। अब ये नया आरोप लगना शुरू होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इतना बड़ा फैसला लेना, अगर सरकार ये फैसला लेती है, अगर सरकार ने इस पर मुहर लगाई दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि 2024 के इलेक्शन में खेला हो सकता है या फिर नहीं। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।